ये हमारे पास एक डेड हार्डिक्स है जो तो शिवा का है। इसे रिपेयर कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इस कनेक्टर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये दोनों गार्ड होता है, इन दोनों सेफ्टी गार्ड को भी निकालेंगे। निकालने के बाद इसे एक यूएसबी टू साटा कनेक्टर आता है जो इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल बनाया जाता है। इसके थ्रू इनको कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद देखिए इसमें एक यूएसबी पोर्ट है, इस पोर्ट को यूएसबी केबल से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा यूएसबी केबल है इसको अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। चलिए हम अपने लैपटॉप में इसको लगाते हैं। ये देखिए ये हमारा लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट में इसे कनेक्ट करा दिए। जब ये कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्टर में लाइट जलता है। देखिए यहाँ पर लाइट जल रहा है और हम इसे टच करके पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क का मोटर चल रहा है कि नहीं। अगर चलता होगा तो इसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करता है। देखिए यहाँ पर टच करने पर कोई भी रिस्पॉन्स मतलब वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये हार्ड डिस्क के कुछ पावर सेक्टर में प्रॉब्लम है, इसीलिए हार्ड डिस्क चल नहीं रहा है। हम अपने स्क्रीन में देखते हैं मतलब कंप्यूटर में देखते हैं क्या दिखाता है। देखिए इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कोई ड्राइवर इंस्टॉल होने का कोई मैसेज शो नहीं कर रहा है और हमारे डिस्क में भी कोई डिस्क नहीं शो कर रहा है, मतलब कि हमारा हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है। दोबारा कनेक्ट आने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। चलिए अब हम इस यूएसबी पोर्ट को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे ये कहाँ से प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इस कनेक्टर को हार्ड डिस्क से निकालेंगे। देखिए कनेक्टर हमारा वापस निकाल दिए। निकालने के बाद ये ब्लैक कलर की जो पट्टी की तरह पन्नी होता है उसको भी उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद इसमें देखिए छोटे छोटे छेद को स्क्रू लगे हैं, इन स्क्रू को पहले सबसे खोल लेंगे। बारी बारी से हम इस छेव स्क्रू को खोल लेंगे। ये देखिए स्क्रू वाला स्क्रू खोल लिए। इसी तरह से हम सभी स्क्रू को खोल लेंगे। लास्ट स्क्रू इसको भी हम लोग खोल लेंगे। ये स्क्रू खुलने के बाद बहुत आराम से इसे निकालेंगे। निकालने के बाद ये देखिए हमारा हार्ड डिस्क का मोटर और प्लेट इसी के अंदर रहता है। तो इससे सबसे पहले हम इसे नहीं चेक करते हैं, सबसे पहले हम लॉजिक सर्किट जो है उसको चेक करते हैं। पहले हम अपने मल्टीमीटर को बीप के रेंज में, जिधर बीप होता है वो बीप के रेंज में ला लें। लाने के बाद सबसे पहले अपने जो लॉजिक कार्ड है एक क्वाइल लगा होता है, ये देखिए यहाँ पर एक क्वाइल है, इसे हम चेक करते हैं। चेक करने पर बीप का आवाज़, देखिए ये बीप का आवाज़ दे रहा है, मतलब ये हमारा क्वाइल सही है। उसके बाद दूसरी इसका पावर लाइन को चेक करते हैं। पहले इसे हम ब्लैक वाले को ग्राउंड पर रखते हैं और दूसरे को प्लस वाले पॉइंट पर रखकर चेक करते हैं। प्लस वाले पॉइंट पर चेक करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस के इस तरफ वैल्यू नहीं शो कर रहा है, रेजिस्टेंस के दूसरे तरफ वैल्यू शो कर रहा था। अब हम इस रेजिस्टेंस को ही चेक करते हैं कि यह सही या ख़राब हो चुका है।
चलिए चेक करते हैं। यही देखिए रेजिस्टेंस है काला सा, इसे चेक करने पर कोई वीप का आवाज़ नहीं शो कर रहा है। देखिए दोबारा से चेक कर लेते हैं, नहीं शो कर रहा है, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका है कन्फर्म से। तो जब हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है तो उसके लिए हम एक वायर से जंपर मार देते हैं ताकि जो लाइन का रूट है क्लियर हो जाए और हमारा हार्ड डिस्क चालू हो जाए। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास कॉपर का तार है, इस कॉपर के तार पर रंगा का हल्का सा लेयर चढ़ा देंगे ताकि जंपर मारने में इजी हो। इस पर हम आराम से लेयर चढ़ा दिए। अब जो रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है उस पर इस वायर से जंपर मार देंगे ताकि हमारा रूट क्लियर हो जाए। हो गया, जंपर होने का जो एक्स्ट्रा तार है उसको तोड़ देंगे या काट देंगे। अब फिर से हम मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सही हुआ है कि नहीं। देखिए रूट क्लियर हो गया, वैल्यू 0 बता रहा है, वीप का भी आवाज़ दे रहा है, मतलब सही हो गया है। यहाँ से देखिए यहाँ पर हम छोटा सा जंपर, जो छोटा सा रेजिस्टेंस है उसी पे छोटा सा जंपर मारे। देखिए जंपर होने के बाद हम अपने हार्ड डिस्क को फिर से बंद कर देंगे जैसे खोले थे। उसको उसी तरह से आराम से बंद कर देंगे, सही तरीके से बंद करेंगे तभी हार्ड डिस्क काम करेगा। ये देखिए सही सही स्थान पे लाके स्क्रू को कस देंगे। चलिए पहले स्क्रू को हम कस लेते हैं, स्क्रू कसते हैं। इसको भी कट लेते हैं और ये लास्ट स्क्रू इसको कस देते हैं। इसको कसने के बाद फिर से हम उसी USB कनेक्टर से कनेक्ट कराते हैं। ये देखिए इसमें लग गया। अब इस कनेक्टर को फिर से PC में कनेक्ट कराएंगे। ये देखिए इस कनेक्टर को हमने PC में USB पोर्ट में कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने का अपने हार्ड डिस्क में अपने PC में देखेंगे। देखिए यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉलेशन ड्राइव का मैसेज शो कर रहा है, मतलब हमारा हार्ड डिस्क का जो ड्राइवर है इस PC में इंस्टॉल हो गया है। देखिए यहाँ पर रेडी का मैसेज शो कर रहा है, मतलब इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क का ड्राइव शो नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहले से ही पार्टीशन बना होता है उन ड्राइवों का नाम ABC सेम ड्राइव होने के कारण हमारे इस डिस्क लिस्ट में शो नहीं करता, किंतु डिस्क मैनेजर में ये फाइल रहता है, ये हार्ड डिस्क शो करेगा। देखिए चेक करते हैं, माई कंप्यूटर पर से मैनेज में गए। मैनेज में जाने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। देखिए यहाँ पर खुल गया, फिर जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में।
रिस्क मैनेजमेंट में देखिए इन्फॉर्मेश ओपन हो रहा है, देखिए ये खुल गया। डिस्क जीरो जो है वो हमारे सिस्टम का पीसी का हार्ड डिस्क है, और डिस्क वन जो है जो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाए थे उसका शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए यूएसबी पोर्ट कनेक्शन का भी मैसेज दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर यूएसबी रिमूव किए तो डिस्क वन गायब हो गया, फिर दोबारा से जब हार्ड डिस्क लगाएंगे वो यूएसबी पोर्ट लगाएंगे तो यहाँ पर डिस्क शो करने, मतलब हमारा हार्ड डिस्क सब सही हो गया है, अब इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें।